जय हो, जय परशुराम भगवान। थोड़ा लोगों से बोलिए, काहे पे इधर उधर भटक रहे हैं, बोर्ड खराब कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मौसम ठंड का है, पर मध्य प्रदेश में राजनीति की गर्माहट ज्यादा है। ऐसे में नेताओं और प्रत्याशियों के सुर ऐसे बदल बदल कर राग अलाप रहे हैं कि वाद्य यंत्र भी बेसुरे हो जाए। जो कभी जातिवादी राजनीति करके वर्ग विशेष को अपने हाशिए में रखकर राजनीति की रोटी सेंकी, आज उन्हीं के मुंह से निकल रहा है सनातन धर्म खतरे में, भगवान परशुराम याद आ गए। खैर, यह चुनाव है, नेताओं को सब याद आ जाता है, भूलते तो चुनाव के बाद। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जो सतना सांसद और सतना से बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह पटेल का बताया जा रहा है। जातिगत राजनीति करने का सूबे में भरपूर आरोप लगा, लेकिन पार्टी के झंडे के नीचे धर्म और वर्ग की राजनीति का सांसद महोदय का नया राग सुनने को मिला। हम आपको वायरल ऑडियो सुनाएंगे, उससे पहले कुछ दिन पहले का एक वायरल वीडियो देखिए, जिसमें आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि पार्टी की टोपी माला पहने व्यक्ति के मन में वर्ग विशेष के लिए क्या है, तो उनके आका की सोच क्या होगी। पहले आप ये वीडियो देखिए। वीडियो में आपने देखा होगा बीजेपी पार्टी का कंठी माला पहने कैसे ब्राह्मण समाज के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपको सुनाएंगे गणेश पटेल का यह ऑडियो, जिसमें क्षेत्र में जातिगत राजनीति में शिकार सांसद कैसे संगठनों से अब गिड़गिड़ा रहे हैं। वजह साफ है, सतना में बीएसपी से ब्राह्मण उम्मीदवार रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा। अब आप ऑडियो सुनिए। हेलो शुक्ला जी, सांसद जी बात करना चाहेंगे। हेलो जी भैया। जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ा सा हमारे इधर सतना में जी 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 थोड़ा सा समाज के लोगों को सब कुछ थोड़ा सुधरा जी। अरे के लोग कहीं जब जग्गा मग्गा ही टोपी बिल्ला पहन की गाड़ी दे दे, सब डिस्टर्ब कर रहे भैया। अरे कुछ ना गढ़िया हो गया सब, आप लोग का है इतना बड़ा संगठन आप लोग चला रहे हैं। जी जी, थोड़ा लोगों से बोलिए, काहे भी इधर उधर भटक रहे हैं, वोट खराब कर रहे हैं। जी जी, जिंदगी भर जिन लोगों ने नफरत किया उन्हीं को वोट देंगे क्या? जी 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 है जी जी, तिलक तराजू तलवार में जी जी इतना गाली दिया उन लोगों ने, आज उनके साथ खड़े होंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म खतरे में है। जी 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 भैया, उसकी रक्षा कौन करेगा बताइए आप? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बताइए लोगों को सबको। जी जी बस हो गया, थोड़ा सा यही डिस्टर्ब हुए लोग, ये जो टोपी बिल्ला लगा के ये गाली वोली दिया। नहीं, जोर से लगाइए, जोर से लगाइए। जी जी दीदी कमल मा, ठीक है शुक्ला जी? जी 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 जी, आप समाधान पूरा करी समझ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल हाँ, आवाज के बाद ये फालतू बातें नहीं होनी चाहिए, और सबको जितना हो सके सबको समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जय हो, जय परशुराम भगवान। भारत में लोकतंत्र में यही खूबसूरती है कि 5 साल बाद आखिरकार नेताओं को चुनाव जनता को जनार्दन मानने में मजबूर कर देती है। 5 साल तक जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए जूते रगड़वाने वाले नेता चुनाव के समय मृतभाषी, जनहितैषी, सभी वर्ग का हितैषी बनकर गिड़गिड़ाते नजर आते हैं। चुनाव ना होता तो शायद यह अवसर जनता खो देती। खैर, आपने आइडियो में समझ ही लिया होगा कि अब बीजेपी उम्मीदवार को आखिर क्यों सनातन और परशुराम का नाम और उनका सहारा लेना पड़ रहा है। और एक कहावत कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। खैर, मैदान में बीएसपी के शिवा ने सतना के समर में हलचल पैदा कर दी है। ऐसे में चुनावी परिणाम क्या होंगे, 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा।